नगर पालिका की 5वीं वर्षगांठ पर पालिका परिसर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में SDM राठौर, सुशील कुमार व पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज मुख्य रूप से उपस्थित रहे और पार्षदों व स्टाफ सदस्यों संग हवन यज्ञ में आहुति डालकर शहर की सुख शांति की कामना की। इस मौके पर पार्षदों ने पूर्व राज्य मंत्री के समक्ष ग्रांट राशि के अभाव में लंबित पड़े विकास कार्यों के लिए सरकार से ग्रांट राशि दिए जाने की मांग की। पार्षदों ने कहा कि कोरोना संकट के चलते पिछले करीब एक वर्ष से सरकार द्वारा कोई भी ग्रांट राशि जारी न किए जाने से शहर में विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया है। ग्रांट राशि के अभाव में कई वार्डों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, जिससे वार्डवासियों में भारी रोष है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द रादौर शहर के विकास के लिए ग्रांट राशि जारी करे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि शहर के विकास के लिए ग्रांट राशि जारी करवाने को लेकर वह मुख्यमंत्री से मिले थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही नगर पालिका को ग्रांट राशि जारी की जाएगी। ये 5वीं वर्षगांठ है, 5 वर्ष हो गए हैं अपने नगर पालिका को बने हुए, और आज सब साथियों ने मिलकर के, सभी MCs ने मिलकर के अपने पर, यहाँ के सेक्रेटरी हमारे SDM सुशील जी, सब ने मिल करके आज यहाँ हवन यज्ञ करके और आज उस खुशी को जो है ना इस प्रकार से मनाया है। देखिए, यहाँ ये कमेटी अभी बाद में बनी थी, नई कमेटी है, और यहाँ वाकई में जो है ना कई चीज़ों की बहुत आवश्यकता है जो यहाँ काम होने चाहिए, और इन्होंने अपने फंड की भी मांग करी थी। पीछे CM साहब भी यहाँ आए थे एक बार, तो उनके सामने भी ये मांग रखी गई थी, लेकिन वो पैसा अभी तक नहीं आया। मैं भी अभी बुधवार को गया था, CM साहब से मिल करके आया था, और मैंने भी उनसे निवेदन किया, लिखित में भी मैं दे करके आया हूँ, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्दी जो है ना आपका यहाँ ग्रांट भेज करके जो डेवलपमेंट के कार्य अधूरे पड़े हैं उनको सारों को पूरा करवाने का काम करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है। बता दें कि कोरोना संकट के चलते पिछले एक वर्ष से सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए कोई भी ग्रांट राशि जारी नहीं की गई, जिस कारण शहर में जो विकास कार्य करवाए जाने थे वो कार्य शुरू भी नहीं हो सके, बल्कि जो कार्य चल रहे हैं उन पर भी पूरी तरह से ब्रेक लग गई है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।